सुंदर विहार कॉलोनी कैलाश नगर कुरुत के रहवासियों ने कॉलोनी तक के पूर्णतः जर्जर हो चुके पहुंच मार्ग के परिप्रेक्ष्य में बुधवार को धरना प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया और गुरुवार को नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सुंदर विहार कॉलोनी कैलाश नगर कुरुत के रहवासियों ने नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त को यह भी बताया कि बरसात के दिनों में सड़क पर चलते हुए दो व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और कई लोगों के हाथ पैर टूट चुके हैं और एक लंबे समय से कॉलोनी वासी अपनी इस जानलेवा समस्या को लेकर शासन प्रशासन के आला अधिकारियों का दरवाजा खटखटा चुके हैं और इन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिला है कि यह रोड बनाने के लिए हमारे पास फंड नहीं है। पूरे भिलाई निगम क्षेत्र में छोटे बड़े गड्ढे पाट दिए गए हैं और अंदरूनी सड़कों का निर्माण भी किया जा रहा है, परंतु सुंदर विहार कॉलोनी कैलाश नगर कुरुत के रहवासी अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि निगम भिलाई प्रशासन उनकी समस्याओं को सुनकर भी मौन बैठा हुआ है। कॉलोनी वासियों ने एक बार पुनः अपनी समस्या एसीएन न्यूज टीम को सुनाई है। कल हम लोग धरने में बैठे थे, शासन प्रशासन की ओर से जोन आयुक्त मैडम लहरे मैडम और भोजराम भोजू नेता प्रतिपक्ष भी आए थे और उनके कहने से हम यहाँ आयुक्त सर से मिलने के लिए आए। उन्होंने समय दिया था 11 बजे आयुक्त सर से मिलने का, तो हमने सोचा था शायद कुछ काम की बात होगी। धरना हमारा वहाँ अभी भी जारी है, हमारा धरना खत्म नहीं हुआ है और वहाँ धरना जारी है और इनसे हम मिलने आए थे और आने के बाद यहाँ से सेम वही बात पता चला कि फंड नहीं है, हमको व्यवस्था करना पड़ेगा। तो फंड नहीं होना ये हमारा काम नहीं है क्योंकि हम टैक्स देते हैं और सुविधा हमको उपलब्ध आप कराना ये आपका कार्य, ये हमारा काम नहीं है। तो इसके बाद 2 या 3 दिन में हम सोच के बताएंगे, सोम या मंगलवार तक के आपको कन्फर्म करेंगे, ऐसा आयुक्त महोदय ने हमें बताया। तो हमने उन्हें शाम तक का समय दिया है कि आप हमें शाम तक बता दीजिए कि आप इसमें रोड बनवा पाएंगे या नहीं बनवा पाएंगे, लेकिन हमारा धरना उसमें जारी रहेगा। उसके लिए उग्र आंदोलन होगा क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 2 महीने बाद अभी आचार संहिता लग जाएगा, 1-1.5 महीने बाद उसके बाद बारिश आ जाएगा ऑलरेडी। जब सबको पता है कि दुर्घटना से उस रोड पर 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है सुंदर विहार कॉलोनी के, तो हम और लोगों के मरने का इंतजार नहीं कर सकते, मजबूरी है, हमको बैठना पड़ेगा, उग्र होना पड़ेगा, पुलिस शासन प्रशासन जेल ले जाएगा, डंडा मारेगा, हम उसके लिए भी तैयार है। अब टैक्स फ्री कर दो, हमने अभी भी बोला आयुक्त सर को कि सर अगर आपके पास फंड नहीं है आप टैक्स माफ कर दीजिए, जो हमारा टैक्स निकल रहा है हम उस टैक्स से अपने पैसों से अपनी सड़क बना लेंगे अगर आप सक्षम नहीं है इसको बना पाने में। तो हमने अभी भी उनको ये प्रपोजल दिया है कि आप टैक्स माफ कर दीजिए, हम उस पैसे से अपनी रोड बना लेंगे। हमारे को जवाब नहीं दिया, हमें कोई संतुष्ट नहीं कर पाए वो, और कहीं भी उन्होंने ये नहीं बताया कि इस तारीख से काम चालू होगा या नहीं होगा। और पूरे भिलाई में काम चल रहा है, सिर्फ सुंदर विहार के लिए हमेशा से फंड का रोना रहता है, तो हमारा टैक्स माफ कर दिया जाए सिर्फ एक इतनी सी मांग करता हूं। पार्षद तो मेरे ख्याल से इससे निष्क्रिय पार्षद किसी भी वार्ड का नहीं होगा। अगर हम सुविधा के लिए जाते हैं तो वो हमें सुविधा नहीं दे पाते, हम कहते हैं कि आप हमारे पार्षद हैं, आपके नेतृत्व में हम धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं। उनको कल हमने 100 बार फ़ोन किया, उन्होंने एक बार ना आए ना उन्होंने हमारा फ़ोन रिसीव किया, जबकि उनको सब जानकारी है। तो कुल मिला के मतलब भेदभाव कर रहे हैं पार्षद से लेकर शासन प्रशासन, हर कोई उस रोड के लिए पता नहीं क्यों पीछे हटता है या उस रोड का निर्माण नहीं करना चाहता, इसके पीछे क्या है इसका हमें भी जानकारी नहीं है। अपनी समस्या लेकर नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त के पास पहुंचे कॉलोनी वासियों को एक बार फिर आश्वासन दिया गया है। आप भी सुनिए निगम भिलाई के आयुक्त क्या कहते हैं। आपने बताया कि इसमें जो है शासन की ओर से हम लोगों ने फंड की डिमांड पहले की है और जैसे फंड की स्वीकृति प्राप्त होगी काम जो है स्टार्ट कर देंगे। मैडम इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, विकास कार्य जो है सभी तरफ एक बराबर होना चाहिए और जो भी निर्माण कार्य की आवश्यकता है और मतलब उसको हम करेंगे। समस्या का समाधान यदि जल्दी नहीं हुआ तो कॉलोनी वासियों ने उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दे डाली है। एसीएन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।